भोजपुरी फिल्में भी हिंदी फिल्मों की तरह आज एक अपना दर्शक वर्ग बनाए हुए है, और ये फिल्में भी केवल बिहार में नहीं या केवल यूपी में नहीं, लगभग पूरे भारत और पूरे विश्व में देखी जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और आप सब हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो भोजपुरी के सबसे सफल स्टार अभिनेता कुणाल हुआ करते थे, और उनकी अच्छी अच्छी फिल्में आई और लोगों को इंटरटेन की, और ये फिल्में एक अलग वर्ग बनाई और भोजपुरी का एक पहचान बनाया लोगों के बीच। जैसे कुणाल की कुछ सुपरहिट फिल्में थी दूल्हा गंगा पार के, गंगा किनारे मोरा गांव, ये सब फिल्में, गंगा किनारे मोरा गांव तो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी, और बहुत सारी फिल्में आई, हे गंगा मैया तो आप पेरी चढ़े, वो एक दौर था जब भोजपुरी फिल्में भी सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। लेकिन बीच के समय में अचानक से ये भोजपुरी फिल्में हम लोगों के बीच में आना बंद हो गई, तो फिर से एक बार मनोज तिवारी ससुरा बड़ा पैसा वाला लेकर आए और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, और उसके बाद से जैसे चलन चल गया भोजपुरी फिल्मों का, बहुत सारी भोजपुरी फिल्में आई। तो फ्रेंड, मनोज तिवारी के ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद बहुत सारे निर्माता, बहुत सारे प्रोड्यूसर भोजपुरी फिल्मों का निर्माण शुरू किए, और बहुत सारे नए नए सुपर स्टार दिए भोजपुरी के, अच्छे अच्छे स्टार दिए जिसे भुलाना मुश्किल है, जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, पवन सिंह, ये सब अच्छे अच्छे स्टार फिर इसमें आ गए, खेसारी लाल। एक्चुअली इसमें से कुछ स्टार मुख्यतया गायक थे, मुख्य रूप से गायन ही करते थे, जैसे मैं बात करता हूँ मनोज तिवारी का, तो वे क्या है, मुख्य रूप से गायक थे, अपना गायकी के बदौलत उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन ससुरा बड़ा पैसा वाला में उन्हें एक अभिनेता के तौर पर, मुख्य अभिनेता के तौर पर लाया गया, और ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई, इसके सभी गाने सुपर हिट हुए। उसके बाद जैसे भोजपुरी फिल्मों का बाढ़ आ गया। धन्यवाद।